पाकिस्तान में हमें किसी किस्म की, हमारा पाकिस्तान है जी जी, हमने कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी है पाकिस्तान बनने में। यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है जी जी, और ये दिन मसीहियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। ये वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान, आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। तो जी नाज़रीन, आज आप लोगों को जो है दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आज आप लोगों को पता है 25 दिसंबर है, तो मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ चविंडा के एक स्टेंगर जो है फादर है, हम उनसे मालूमात थोड़ी सी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज के दिन आप लोग क्या, आज के दिन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, तो जी नाज़रीन आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो जी नाज़रीन हम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? पादरी बीएम ब्रूस। अच्छा, आप कहाँ से हैं? चविंडा से हैं। चविंडा से ही हैं जी हाँ। आप मुझे ये बताइए कि आप आज 25 दिसंबर है, तो आप इनके क्या कहना चाहेंगे? उसके यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है जी जी, और ये दिन मसीहियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है जी जी। हम यही चाहते हैं कि इस दिन लोग प्यार मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारें जी जी, अच्छे काम करें, और तबलीग करने का मकसद यही होता है कि जो लोग देहातों में आते हैं वो भी बरकत पाएँ, मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं जी जी। मुल्क भी खुशहाली हासिल हो हाँ जी, जी ये है। घर वाले भी ऐसे वो क्रिश्चियन ही हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बस इतना ही बड़ा है क्योंकि लोग मिलने के लिए खड़े हैं मेरे जी जी, जी। कोई नहीं जी जी, बस थोड़ा सा टाइम, शुक्रिया आपने हमारे लिए निकाला है। यानी कि लोग आपको मिलने आते हैं क्योंकि आज का दिन आप की, यानी कि जैसे कि हम लोगों की ईद होती है जैसे कि वैसी आपकी, ये भी क्रिसमस है, बड़ा दिन होता है जी जी, बड़ा दिन। शुक्रिया आप सबका शुक्रिया हाँ जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो जी नाज़रीन हम इनसे तो पूछा, तो जी हम इनसे भी मुलाकात करेंगे जो आए हुए लोग हैं, तो उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो जी पूछते हैं हम इनसे भी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अख्तर गिल है। रियाज अख्तर गिल, तो आप कहाँ से हैं? मैं चविंडा से हूँ। आप चविंडा से हैं? क्रिश्चियन हैं जी? मैं क्रिश्चियन हूँ हाँ जी, जी। तो हम बहुत खुशी से पाकिस्तान में रह रहे हैं जी जी, तो हमें आज़ादी है जी जी, यानी कि कोई रोक टोक नहीं पाकिस्तान वालों ने? पाकिस्तान में हमें किसी किस्म की, हमारा पाकिस्तान है जी जी, हमने कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी है पाकिस्तान बनने में जी जी, तो हमारे बड़ों का बहुत किरदार है इसमें, मसीह लोगों का, तो ये हमारा मुल्क है, तो हमें इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। हम आज़ादी के साथ अपने त्यौहार जो है ना वो मनाते हैं जी जी, तो हमें कभी किसी ये नहीं कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे। नहीं 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 नहीं, ये तो उन लोगों को भी पता है, अपना अपना काम है काम है, ये तो उन लोगों को भी पता है कि ये एक मज़हब है, एक नबी को मानते हैं, नबी है एक, वो भी मानते हैं, तो हमें कभी किसी किस्म की यहाँ पे या किसी किस्म की कभी कोई ऐसी बात नहीं। यानी कि आप जो अल्लाह हमारा जो खुदा कहते हैं उनको भी मानते हैं? हाँ जाहिर है हम खुदा को मानते हैं, खुदा को ही तो मानते हैं जी जी, तो खुदा को क्यों नहीं मानते, खुदा को ही तो मानेंगे तो हमारी जिंदगी है ना जी जी। हाँ तो आप सब कोई मानते हैं, यानी कि कोई आप लोगों को यानी कि रोकने वाला नहीं? नहीं नहीं नहीं, कभी कोई बात हम सोच भी नहीं सकते कि हमें कोई इस नबी को मानने से कोई रोकेगा, तो नबी को भी मानते हैं है? नबी को भी मानते हैं, हजरत नबियों को मानते हैं, सब नबियों को मानते हैं, पर सब उधर बात सुने वो बात सुने, तो हम सब नबियों को मानते हैं जी जी, तो मानना भी चाहिए जी जी, क्यों नहीं मानना, मानना चाहिए तो हर एक का अपना अपना मजहब होता है वो जिस तरह। हाँ नबी इतने थे तो हर किसी ने नबी को तो मानना है ना जी जी, तो इस पे आके मजहब बन जाते हैं इनके, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, अलग हो जाता है, कोई किसी तरीके से खुदा को मानता, कोई किसी तरीके से। यानी कि आप हम आप अपना कलमा सुना सकते हैं, जैसा कि हमारा कलमा ये है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था जी जी। हाँ जो जैसा कि हमारे होते हैं ना छह कलमे होते हैं पूरे, तो आपका कोई नहीं? हमारे छह कलमे नहीं होते, हमारा यही है एक ही, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था, वही काफी लंबा नहीं नहीं हमारा इतना ही काफी है, छोटा ही छोटा सा। हाँ यही है मान लाना। अच्छा आप सुना सकते हैं कुछ? आप सुना सकते हैं? मैं क्या सुना? आप कलमा, ये मैं बोल रहा हूँ ना, इब्तदा में शुरू, तो इब्तदा में कलाम था, इब्तदा में कलाम था। बता सकते हैं कैसे, यानी कि आप क्रिश्चियन बने, आपको
नहीं, हम देखो ये तो मिशनरी हमारे आते थे, हमारे बड़े जो मज़हब के लीडर थे वो आए, गोरे आए इधर, उन्होंने हमारे लोगों को तालीम दी, तो फिर हमने ये इसको कबूल किया। हम कबूल समझे कि क्या है ये मज़हब, क्या है मसीहत, क्या है। तो मसीह ने तो हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए जान दी थी उसने, सलीब पर पूरी दुनिया के लिए जान दी थी। जी जी, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। यानी कि हम स्कूल में जाते हैं वो हम अपनी इस्लामिक किताबें पढ़ते हैं, तो इधर पाकिस्तान में तो आपके लिए नो, हम भी इस्लामिक किताबें पढ़ते हैं स्कूलों में। अच्छा, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं वो स्कूल में, पढ़ाते हैं जैसा काम पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 ये पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से है। इनके होता है ना कि कुछ अलग होता है, जैसे इस्लामियात की बुक्स अलग होती है। नहीं नहीं नहीं, इस्लामियात की जो इस्लामियात की आपकी बुक्स है ना वो ही हम पढ़ते हैं स्कूल में, वो ही हमें पढ़ाई जाती है। लेकिन आपने ये जो जैसे कि कुरान पाक है, इस तरह हमारे इंजील मुकद्दस है, ठीक है ना। जी जी, वो तो हम लैदा करते हैं ना, वो तो मज़हब की है ना। जी जी, तो जो स्कूल में तलीम होती है ना वो यकसा होती है। स्कूल का ना वो डिसिप्लिन सब एक का ही है, एक का ही है, हाँ सबका एक जैसा, ये बुक्स एक ही है। जी जी, जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे, हमारा भी अगर बच्चा आपका क्लास फेलो है वो भी वही पढ़ेगा, वही काम स्कूल का उसको वही मिलेगा। जी जी, वो सब किताबें वही है, स्कूल की वही है डिसिप्लिन। जी जी, हाँ जी, थैंक यू, आपने हमारे सवालों का नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आप हमारे इधर आए। जी जी, हाँ थैंक यू जी। तो जी ना जी ना, आपने जैसा कि देखा कि मैंने इनसे पूछा कि आप लोग का कोई अलग होता है, लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि ये जो है ये इनका ये स्कूल अलग है, इनके ये किताबें अलग हैं, कोई भी कुछ भी है कह रहे हैं हमारा अलग नहीं है, बस नमाज में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, बट कोई भी जो है इनका भी काम अलग नहीं है। आप मेरी वीडियो को देखते रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो जी नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।